धर्म पाजी मेरे से बेटर डांसर है। जो बेसुरे से बेसुरा बंदा होगा फिल्म इंडस्ट्री में, मैं उससे भी बेकार हूँ। बट विक्की अच्छा गाता है हमारा। अरे यार, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे पिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। इनके सामने डिसिप्लिन में रहता था इनके सामने। और जब वैनिटी में जाते थे ना, तब उतार यार, परे हो जाओ, हट जाओ यार, कभी शूज भी निकाल दिए। तो मैं थोड़ा सा शैतान था सभी ट्रेनिंग सेंटर में, तो मैंने फोन निकाला, मैंने ऐसे ही नंबर लगा लिया, हेलो, मैं कहा सर कल आ जाए, मैंने ऐसे हाथ मार दिया, 180 लड़के भाग गए। हम लोग ऐसे फ्रंट रोल किया तो हमारे मतलब डायलॉग सी फिल्म दे विच। जब हम पहली बार ट्रेनिंग करने गए थे ना पंजाब पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर में, तब हमें सबसे पहले जो बताया गया था कि नहाना नहीं, सो पंजाबी में बोलते हैं नहाना नहीं, धोना नहीं, घबराना नहीं, कहना मुड़ना नहीं, डक्का तोड़ना नहीं, ये पंजाब पुलिस का पहला रूल है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी फिल्म आ रही है जहान किला 20 सितंबर को। सो हम आपसे अपील करते हैं कि आप जरूर जाइए इस फिल्म को देखिए, क्योंकि ये यूथ के लिए फिल्म बनी है और आपको बताएगी ज़िंदगी में, मोटिवेट करेगी आपको और हंसाएगी आपको, सभी तरह के रंग दिखाएगी। सो इसके बारे में आप मेरे साथ डायरेक्टर साहब हैं मेरे मौजूद, तो वो बताएंगे आपको थोड़ा सा। वाओ लवली, इससे अच्छी इंट्रोडक्शन और ओपनिंग तो हो ही नहीं सकती थी। सो एक बार फिर से आप सभी का न्यूज़ नेशन में स्वागत है, और सर स्पेशली इट इज़ अ प्लेजर हैविंग यू हियर। सो मैं जानना चाहूँगी कि पंजाब में हमने बहुत कम देखा है ऐसे टॉपिक्स पे फिल्में बनते हुए, तो क्या लग रहा है, लोगों से कैसी उम्मीदें हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आएगा? देखो जो लोगों के लिए बनाई गई फिल्म है ना, बिकॉज बेसिकली यूथ की मैंने बात की है कि यूथ है ना जो उसको 10th के बाद 12th के बाद पता नहीं होता कि हमने करना क्या लाइफ में, सो उसी को मोटिवेट करती है, उसी को रास्ता दिखाती है। तो अलग अलग जो रीजनल के लड़के होते हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, कोई पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा है, तो सभी को एक कॉन्स्टेबल की जॉब मिलती है, वहाँ से वो कैसे ग्रो अप होते हैं और जिंदगी का जो गोल है वो कैसे ढूंढते हैं, उसी के बारे में फिल्म है। उनकी जर्नी है वो बहुत ही मतलब कॉमेडी है, फनी है, उसके बाद वो हंसते हंसते एक हमें अच्छा मोटिवेट मैसेज दे देते हैं कि हमने गोल को कैसे अचीव करना है। जी ओके, रोगनप्रीत आपने इस फिल्म की कहानी भी लिखी है जी, जो कि फर्स्ट रिस्पोंडर्स पे आधारित है, कैसे आया, क्या क्या लगा कि हाँ इस पे मूवी बनाते हैं? बिकॉज दो तीन बातें हैं इसके बारे में। सो एक तो थी कि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था ना पुलिस की, तो मैं क्योंकि मैंने 7-8 साल जॉब किया पंजाब पुलिस की, तो हमने ट्रेनिंग की थी जब एक साल, तो उस समय ये पता चला था कि ये यार गोल्डन टाइम होता है पुलिस का, यूनिफॉर्म पहनने से पहले जो ट्रेनिंग होती है ना उसको पुलिस वाले पूरी लाइफ में याद करते हैं और उसके बारे में वो पूरा हंसते हैं कि लाइफ में कभी भी उनको बता दो कि आप अपनी ट्रेनिंग का कोई बात बता दो, तो जब वो ट्रेनिंग की बात बताएंगे तो लाफ्टर उनका खुल के आएगा, क्योंकि वो गोल्डन डेज होते हैं। तो उस समय मैंने डिसाइड किया था कि ये फिल्म बनाऊंगा। और दूसरी बात, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की आपने बात की, जो हमारी जो पुलिस होती है वो एक तरह की फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है, क्योंकि हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम सबसे पहले पुलिस को कॉल करते हैं, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगी। वैसे डॉक्टर्स हो गए, आर्मी होगी, एयरफोर्स होगी, ये नर्सेस हो गए, ये सभी हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, फायर ब्रिगेड वाले को इनको हमने डेडिकेट किया, क्योंकि कोविड के टाइम में इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया था हर जगह पे, इनकी वजह से हम बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, तो इनको डेडिकेट करनी थी ये फिल्म, जिसकी वजह से हमें ये आइडिया था कि ये फिल्म भी बनाऊंगा और इनको डेडिकेट करूंगा, बिकॉज पुलिस उनका एक पार्ट है। So, आपने कहानी तो लिख ली, फिर आपको क्या लगा किन्हें कौन से ऐसे डायरेक्टर इनको पिच करना चाहिए, क्या विकी पहले थे? हाँ विकी, क्योंकि विकी के साथ मेरा ना 5-6 साल का नाता है, तो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड एज वेल। तो जब मैं फिल्म कर रहा था काम, तो इसको मैं सुनाता रहता कि अब ये होगा इसके बाद ये होगा, तो ये पूरा समझ रहा था उसको। और ये इतना मतलब विकी मतलब इतने इंटेलिजेंट हैं कि ये एक दिन भी कभी, मैंने पहले 3-4 फिल्में हमने की थी एक साथ में, तो एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा एक दिन भी शूट डिले हुआ हो। तो उसके ऊपर पकड़ इसकी इतनी थी, और इस ये मेरे को सबसे ज़्यादा समझता था, इसको पता था कि मेरे को क्या सही है क्या गलत है, ये पूरा मेरे को गाइड भी करता था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि विकी अगर फिल्म करेगा तो तेरे साथ ही करेगा, तो वरना हम नहीं करेंगे। सो विकी, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब इन्होंने कहानी कैसे सुनाई, कॉल किया या मिलने बुलाया,
नहीं स्टोरी तो बिट्स एंड पीसेस में लाइक जोबन की एक आदत है कि जब जब वो कुछ लिखता है ना लाइक जब जब वो कुछ क्रिएट करता है तो उसके पेट में कुछ टिकता नहीं है तो शेयर करता है तो शेयर ऐसे क्लोज फ्रेंड्स के साथ करता है तो जो कि बहुत अच्छी चीज है और गलत लोगों को भी कर देता हूं जो अभी तक मेरे को उसका रिजल्ट नहीं मिला है तो जिसके कारण ये जो थॉट था उसके मतलब जो इसकी स्टोरी का जो थॉट है इसने ऑलरेडी पुलिस में मतलब ये पुलिस रह चुका है इसे यस तो जिसके कारण इसका एक पुलिस करियर का जो एक्सपीरियंस है इसके बेसिस पे इसने एक स्टोरी की थी लिखी थी जो कि काफी इंस्पायरिंग है और ये यूथ को मोटिवेट भी कर रही है और मतलब हम इस फिल्म को फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को डेडिकेट भी कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छा कॉज था और मतलब ये स्टोरी के माध्यम से ना हम लोग मतलब बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हुए और हम लोग को तभी लगा था जब ये स्टोरी लिखी जा रही थी हम लोग के ये भी थे मतलब कि हमारे इनपुट से लाइक जोबन के इनपुट से हम लोग कलेक्टिवली सीन्स को क्रिएट कर रहे थे तो इसी रीजन से लाइक हमने सोचा कि लाइक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू वर्क टुगेदर ऑन अ फिल्म। कई चीजें ऐसी भी हैं कि मैंने विक्की को फिल्म अभी प्लान भी नहीं हुई थी और इसको बताता रहता कि ये करेक्टर है इसका नाम ये है कुबराटी बाबा है ये मतलब लड़कियों से बड़ा मतलब डरता है तो उसकी जब मैं इसको बात बताता था ना फिल्म शूट होने से पहले मतलब लॉक होने से भी पहले तो ये हंसता था अरे यार वो मतलब इसकी इसके माइंड में ना वो कैरेक्टर डेवलप हो चुके थे ऑलरेडी विजुअलाइज कर चुका था मतलब सारे कैरेक्टर्स इसमें इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है तो सारे कैरेक्टर जैसे इसने नरेट किया था मुझे तो सारे कैरेक्टर्स मैंने ऑलरेडी विजुअलाइज किए थे तो काफी इजी था इनको जब हम फिल्म में जब हमने इनको हर कैरेक्टर को कास्ट किया या फिर हर कैरेक्टर पे काम किया तो बहुत इजी था क्योंकि हमें पहले से पता था ये कैरेक्टर कैसा होने वाला है तो बहुत इजी लाइक डायरेक्शन इसमें मतलब मेरे को नहीं लगता कोई टफ जॉब था काफी स्मूथ था बिकॉज वी हैड अ गुड स्टोरी एंड लाइक वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड सो मेनी थिंग्स अबाउट द फिल्म पर आपने बहुत मेहनत की है इसमें भी की मतलब हां नाइस सर आपने फाइनल कट देख लिया सॉरी मूवी देख लिया आपने हाँ मैंने देखी दो मैंने तीन बार देखी फिल्म ओके बहुत बढ़िया फिल्म बनी है कंटेंट बहुत अच्छा है और सबसे बढ़िया बात यह है कि जब कंटेंट अच्छा होता है तो जो यंग एक्टर्स अच्छे चाहिए तो यंग एक्टर्स हैं इसमें सारे न्यू कमर्स हैं एक हमारा सीनियर है कप्तान हमारा ना टीम का ना उसकी हीरोइन है जो पुराना एक्टर हूं हीरोइन है वो गुरबानी शी इज वेरी चार्मिंग या उनका तो डेब्यू है बहुत डेब्यू है और बहुत ही एफर्टलेसली काम किया है उसने ऐसा लगती नहीं कि पहली फिल्म कर रहे हैं जितने भी जो भी बाकी एक्टर्स हैं वो लगते नहीं कि पहली बार काम कर रहे सो बहुत वो इसलिए भी होगा कि वो अच्छे एक्टर हैं उसलिए वो आपको फील होने नहीं देंगे कि पहली फिल्म कर रहे हैं लेकिन डेफिनेटली ना ये फिल्म बहुत अच्छी है परिवार के साथ देखने वाली फिल्म है और पुलिस की जो ट्रेनिंग है वो टफ होती है हम लूज वे में कमेंट कर देते हैं उनको सीरियसली लेकिन उनकी लाइफ भी टफ होती है उनकी लाइफ उनके साथ साथ उनकी फैमिली की लाइफ सब सभी की पूरे उनका जिस जो जो जितनी ना स्ट्रगल वो देखते हैं लाइफ में शायद ही आम आदमी 9 to 5 जॉब करने वाला उतनी स्ट्रगल देखता हो जितनी वो पुलिस देखती है क्योंकि वो 24 घंटे की जॉब है उनकी तो उनको वो थोड़ा वो रिस्पेक्ट हमें देना ही चाहिए ऑल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए और ये फिल्म उनके लिए डेडिकेटेड है तो डेफिनेटली मीन्स ना लोग आए देखें फिल्म देखें अगर फिल्म अच्छी नहीं लगी तो भी कमेंट करें अच्छी लगी तो भी कमेंट करें और मुझे यकीन है कि सभी को फिल्म अच्छी लगेगी ये एंटरटेनिंग है फैमिली के साथ देखने वाली है साफ सुथरी एंड द बेस्ट पार्ट इज म्यूजिक बहुत बढ़िया है जो रोमांटिक सॉन्ग्स पुराने जो जमाने की फिल्मों में होते थे इसमें से वो एक गीत भी है सैड सॉन्ग भी है एंटरटेनिंग डांस वाला भी है सब कुछ है और प्लस एंटरटेनमेंट है एंड कॉमेडी है एंड मैसेज है बहुत बड़ा सर जब आपने म्यूजिक की बात की है तो क्यों ना एक लाइन हो ही जाए गाने की सुनाओ भी जोबन बहुत अच्छा मेरी लाइन मैं चाहती हूँ आप तीनों गाएं सर स्पेशली यू मैं मेरे से
धर्मपाजी मेरे से बेटर डांसर है बट इस वक्त हमारे लिए बेटर था, बहुत बड़ा फैन हूँ, वो मेरे से बेटर डांसर है। और जो बेसुरे से बेसुरा बंदा होगा फिल्म इंडस्ट्री में, मैं उससे भी बेकार हूँ। अच्छा मैं दादा, तुसी आपने गाने की बात की है, मेरी लाइफ में मैंने इतने गाने सुने हैं कि मेरे को एक भी लाइन याद नहीं है किसी की। ये अच्छा एक्सक्यूज था, बट कोई नहीं, सच में याद नहीं है मेरे। मैं अकेला भी सोचता हूँ कभी कभी कि यार मैं इतने गाने सुनता हूँ, हर रोज मेरे गाड़ी में गाने चलते हैं, पर मेरे को याद क्यों नहीं आते गाने, वो आई डोंट नो क्यों। चलो ये तो आप एक्सक्यूज दे रहे हो। नहीं एक्सक्यूज नहीं है, बट विक्की अच्छा गाता है हमारा। अरे यार बिल्कुल नहीं। अब एक याद तो मैं एक जो गाना जो मुझे बहुत पसंद है और ना जहन में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं हम जो भी काम करते हैं वो गाना मोटिवेट करता है। जी जी। और वो गाना इस तरह है कि ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। क्या बात है, थैंक यू सो मच। 83 फिल्म को हम 83 जो मेरे जहन में बचता रहता है ना, ये गीत ऐसा है कि आप उसको बयान नहीं कर सकते, वो दिल के अंदर बचता है। और अगर नहीं बचता तो वो हिंदुस्तानी नहीं है, मैं उस तरह का हूँ। सर इसी के अराउंड एक सवाल था, जैसे मैं छोटा सा स्पॉइलर भी आपसे चाहूंगी, जैसे जब आप ये फिल्म देख रहे थे, आपने कहा एक नहीं दो नहीं तीन बार आपने ये फिल्म देखी है, तो थ्रू आउट फिल्म कोई ऐसा मोमेंट आया जिससे आप 3 से कुछ ऐसा एक रिलेट कर सके, यार उस टाइम मैं भी बहुत ज्यादा भर गया था इमोशन से। मैं फिल्म से इस तरह रिलेट करता हूँ कि एक स्टेज था, मुझे भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए, हम डायरेक्शनलेस थे जी, लेकिन उस यूथ को एक कोई डायरेक्शन देने वाला चाहिए जी। और वो ये फिल्म में भी उस तरह से आता है कि यूथ बहुत बार डायरेक्शन लेस होती है, उनको समझ नहीं आती वो ये करूं कि वो करूं कि ये करूं, और वहां पे कोई अगर उनको डायरेक्शन मिल जाए तो, अगर यूथ की जो पावर है और जो एनर्जी है अगर वो सही डायरेक्शन में लग जाए जी, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं जी। बिल्कुल, और जीता भी है। वो कपिल सामने कप्तान अच्छा था, यहाँ पे भी कप्तान अच्छा है जो विजुलाइज कर रहा था, ये फिल्म का कप्तान कैमरा के आगे और कैमरे के पीछे वाले कप्तान दोनों अच्छे थे, डेफिनेटली अच्छा ही। सो विकी, फिल्म बनाते टाइम एक बार भी एक ख्याल आया, कोई ऐसा मोमेंट आया, या कोई एक ऐसे शॉट को देख के लगा यार ये फिल्म तो हिट है, ये किया है ना हमने? एक इंटरवल का एक सीन है जहाँ पे मैं डिस्क्लोज नहीं करता, प्लीज जाके थिएटर में देखना जरूर वो सीन। तो बेसिकली एक हाई पॉइंट आता है फिल्म में जहाँ पे जो जोबनप्रीत और गुरबानी के बीच एक एपिसोड होता है जहाँ पे दोनों के लाइफ में ब्रेकडाउन होते हैं। तो वो एक सीन है, इंटरवल सीन है जहाँ पे दोनों, मतलब गुरबानी है वो जोबन के घर गई है और उसे कुछ इन्फॉर्मेशन वहां से मिली है जोबन के बारे में, और वो उसके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन है, और वो घर से बाहर निकल रही है, घर से बाहर निकलते वो घर के बाहर आ गई है, वो टोटली ब्लैंक आउट हो गई है, और वो मतलब वो फूट फूट के रो रही है बट उसके आंसू नहीं आ रहे हैं, वो आंसू एक्चुअली हमने रेन रखा है, और वो बारिश हो रही है और वो मतलब वो चली जा रही है दूर अपने मतलब लाइफ है। सेम सीन उसका इंटरकट हमने किया है कि जोबनप्रीत के साथ भी ऐसा ही कुछ एपिसोड हुआ है, और जोबनप्रीत भी वहां से मतलब ऐसे ही कुछ वॉक कर रहा है, और दोनों जगह पे मतलब इतना इमोशनल सीन, इतना इमोशनल मोमेंट है फिल्म में जहाँ पे दोनों भी ब्रेकडाउन, जिनके लाइफ में ब्रेकडाउन हुआ है और दोनों वो वॉक कर रहे हैं, और वो सीन वो शॉर्ट देखने के बाद किसी के भी लाइक आंखों में आंसू आ जाएंगे, और उसी को सपोर्ट करते हुए लाइक
जो गाना जो शैली जी ने लिखा है और देवेंद्र पाल और शैली जी जिन्होंने म्यूजिक डायरेक्शन किया है इस सॉन्ग का, तो इतना इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग, लाइक इतना लाइक हर किसी के, लाइक कोई भी अगर किसी किसी के लाइफ में अगर कोई हार्ड पॉइंट से गुजर रहा होगा वो सॉन्ग सुनेगा ना तो लाइक उसके सोल को टच करेगा, ऐसा मोमेंट ऑफ फिल्म में मतलब वो क्रिएट हुआ था। इट वाज अ मैजिकल मोमेंट एक्चुअली फॉर बोथ ऑफ देम, लाइक जोबन एंड बानी, और आई फेल्ट एट दैट मोमेंट आई फेल्ट कि दिस इज अ हिट। और बिल्कुल जिस तरीके से आप कहानी बता रहे मुझे तो लग रहा है, मुझे अभी से गूज़बम्प्स आ रहे हैं, मुझे लग ये मूवी तो हिट है या इंशाल्लाह। सो रोहन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे इन्होंने बताया कि आप पहले भी पुलिस में भर्ती थे, तो आपके लिए ये किरदार करना कितना डिफिकल्ट रहा या काफी इजी गोइंग था? आपको लगा यार ये तो मैं बहुत अपने रियल लाइफ में आप पुलिस का किरदार निभा चुके हैं? हाँ, जैसे सर पहला सरना बात चल रही थी हमारी, वो बता रहे थे, आप भी बता रहे थे कि ट्रेनिंग में एक पुलिस ऑफिसर कैसे बनता है ना, वो हमारी एवरेज होती है एक दिन में 20 किलोमीटर दौड़ने की एवरी डे, मतलब कि जो ट्रेनिंग करते हैं ना वो हार्ड इतना टाइम होता है, जैसे विक्की ने बोला कि 9 से 5 भी, मतलब ऐसा लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, बट ये भी बहुत टफ है। बट जो जो प्रोसेस पुलिस निकल के आती है ना जहाँ से ट्रेनिंग की पार्ट के, वो आर्मी भी करती है, एयरफोर्स भी करती है, सभी जो बेल्ट बंद फोर्स है वो करते हैं वो पार्ट से, मतलब 20 किलोमीटर दौड़ना एवरी डे सुबह से लेकर शाम तक। कभी कभी ऐसा होता था कि जो हमारा पूरा किला होता था ना उसको बैक चाल में कर देते थे कि अपने पीछे को ही दौड़ना है, सीधा नहीं जाना, जो पनिशमेंट होती थी वो ऐसी सजा पनिशमेंट होती थी पूरे पूरे दिन की, मतलब। सो ऐसे मतलब इस सिचुएशन से निकलने के बाद इस किरदार को मैंने इतना जिया लिखा, तो उसके बाद जब मैं फ्रेम स्क्रीन पे आ रहे थे ना, हम लोग कर रहे थे कि हाँ जो हम दिखाना चाहते हैं वो दिख जाए बस जी। वो उसकी उसमें विक्की ने हेल्प की, हमारी पूरी टीम की हेल्प थी, और बस वो हो गया। अभी देखते हैं रिजल्ट क्या आता सिनेमा में। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत रंग लाएगी। अच्छा, हमने अक्सर देखा है ना आर्मी फैमिली या पुलिस फैमिली जो होती है वो काफी डिसिप्लिन उनके फैमिली में होता है, सेट पे कैसा माहौल रहता था? सेट में बदमाशी होती थी, लेग पुलिंग होती थी या एकदम डिसिप्लिन, या हमारे सर बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे? नहीं, इनके सामने डिसिप्लिन में रहता था, इनके सामने। और जब वैनिटी में जाते थे ना तब होता है उतार यार, परे हो जाओ, हट जाओ यार, कभी शूज भी निकाल दिए ऐसे, और एकदम से होता है भाई शॉट रेडी, वो पहनो, वो डीएम शूज पहनते, तो हमारे पास शूज भी ट्रेनिंग वाली थे ना, हमारे पास बड़े शूज पहनने थे। मतलब एक दिन तो मैं ऐसे था बैठा, तो मेरे ना पाँव के नीचे छाले हो चुके थे पूरे, दौड़ दौड़ के, वो ट्रेनिंग ऐसे ऐसे सीन थे हमारे फिल्म में। सो बस ऐसे ही निकल गए। एक्चुअली ओवरऑल शूट का जो माहौल था ना वो ये, क्योंकि ये फिल्म में काफी नए स्टार्स भी है, नए फर्स्ट टाइम एक्टर्स, और उन्हीं के साथ काफी एक्सपीरियंस एक्टर्स है, तो वो जो माहौल क्रिएट होता था सेट पे तो इतना मजेदार होता था, लाइक इतना अच्छा वाइब, इतना अच्छा एनर्जी वो इसका, उसी के साथ एड ऑन, लाइक हम लोग जो बहादुरगढ़ में बहादुरगढ़ फोर्ट में शूट कर रहे थे जहाँ पे, तो उसकी वजह से भी लाइक वो आर्मी की वहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, यहाँ पे हमारी शूटिंग हो रही है, ऐसे लग नहीं रहा था कि हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, ऐसे लग रहा था कि हम बेसिकली उसी ट्रेनिंग का पार्ट है, तो एक ऐसा काइंड ऑफ वाइब था वहाँ पे। सर शूटिंग देखने आप जाया करते थे? नहीं, मैं शूटिंग को नहीं गया जी, सिर्फ मेरी उससे शूट शुरू होने से पहले, पहले बातें फिल्म के बारे में पता था, जो फिल्म का प्रोड्यूसर है जो हाउस एट के जो जी, है जी, जी। वो वरिंदर परिहार, वो मेरा ट्रेनी था, ओके, वो पेस बॉलर था, ओके, और उसका एक्शन इमरान खान जैसे एक्शन था या। फिर वो चले गया बाहर, बाहर जाके बिजनेसमैन बन गया, तो बाद में आया मुझे कॉन्टेक्ट किया, तो अच्छा बिजनेस कर रहा था, तो फिर बोला कि मेरे को फिल्म बनानी, 83 फिल्म के लिए आया था मेरे, वहाँ पे आता था, तो उसको वहाँ से लगता है कि लग गया कि मुझे भी फिल्म बनानी। फिर यहाँ से आने के बाद में मुझे बोला कि ऐसे ऐसे फिल्म बना रहा हूँ और ये ऐसे स्टोरी है, बोला ठीक है ना, तो फिर जो मेरे इनपुट्स जो मैंने सीखा था मैं उसके साथ शेयर कर रहा था कि ये है, तो और यही मेरा एक ही था उसको कि फिल्म का कंटेंट अच्छा चाहिए बस, और एक्टर्स अच्छे ले लो जो रोल को प्ले कर लें, और वो लोगों के दिलों तक छूने चाहिए वो सीन्स हो उसमें, मिली गए रियल लाइफ, रियल लाइफ हीरो ना, तो इसीलिए ये फिल्म में जो स्टार कास्ट है वो उसको अच्छे से निभाया उन्होंने, बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्म किया है,
एक को मैं नाम नहीं ले सकता हूँ कि एक ने बहुत ही ब्रिलियंट किया है, सभी ने, और ये कलेक्टिव एफर्ट होता है। वन मैन, एक आदमी मैच नहीं जीतता, टीम वर्क। हम क्रिकेट टीम की जैसे लेता हूँ मैं तो, ये टीम वर्क है। जो कैमरे के आगे हैं उनका टीम वर्क है, और जो कैमरे के पीछे हैं उनका ज्यादा टीम वर्क होता है, क्योंकि इतने लोगों के साथ मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कैमरे के पीछे बैठा था और मॉनिटर पे देख रहा था सब क्या हो रहा है, तो मुझे पता है कि पीछे कितने लोग बैठे होते हैं जो सब नोट्स लिख रहे होते हैं। सो फिल्म मेकिंग इतनी इजी नहीं है जितनी हम फिल्म देख के लूज कमेंट कर जाते हैं। तो वो सोचना चाहिए कि कितने कितने लोगों को इसमें से नौकरियां मिलती हैं। एक फिल्म बनने से ना, जो जो पोछी लगाता है या सफाई करता है उससे लेके ऊपर तक हीरो तक सभी के नौकरियां मिलती है, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, सबको पैसे मिलते हैं, प्रोड्यूसर के भी बनते हैं, सभी के बनते हैं, लेकिन सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए है ना, ये फिल्म पूरी एंटरटेनर है उतना मैं बोल सकता हूँ। वो तो हमें ट्रेलर देख के ही लग गया, अभी तो पिक्चर बाकी है। ओके, जाते जाते एक ऐसा मजेदार किस्सा पर्दे के पीछे का जो हमें ना पता और जो ऑडियंस जानना चाहती है। मजेदार किस्सा आई थिंक शूटिंग के दौरान का, शूटिंग के दौरान भी, ट्रेनिंग में बहुत मजेदार किस्से हैं मेरे तो, मतलब मैं बिल्कुल अगर बताना लगा तो आपको दो दिन लग जाएंगे उस किस्सों को पूरा करने का, टाइम निकाल लेंगे। तो ऐसा है कि एक बार ना हमारी, मैं ट्रेनिंग की बात बताता हूँ जो फिल्म का भी, मतलब एक इनसे निकला हुआ फिल्म निकली है ना, तो हमारी ना एक बारी हमारे, हमें क्या होता है हर 15 डेज के बाद एक दिन की छुट्टी मिलती है घर जाने के लिए, शूटिंग के दौरान नहीं, शूट या ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान। अच्छा, तो छुट्टी मिलती है 14 दिन के बाद हम छुट्टी जाते हैं एक दिन की, और हमें क्या हुआ कि हमें ना बोला गया कि आप लोग आज जो परमिशन है आपकी छुट्टी जाने की वो कैंसिल है, आप लोग सीधा आनंदपुर साहब है ना हमारे गुरुद्वारा साहब, वहां पे एक होले मोहल्ले का फेस्टिवल होता है कि आप सभी लोग वहां जाएंगे होले मोहल्ले के लिए ड्यूटी के लिए, तो 3-4 दिन वहां लग गए, तो हमारी परमिशन छुट्टी थी वो कैंसिल हो गई, तो हम बोले यार अभी हम घर कैसे जाएंगे, अभी 15 दिन और वेट करनी पड़ेगी एक दिन के लिए, और हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर था वहां से कॉल आ गई SSP साहब की कि किसी ने भी घर नहीं जाना, गाड़ियां आ गए, सीधा बैठ के ट्रेनिंग सेंटर आना है जी। तो सभी परेशान कि अभी क्या करें, तो मैं थोड़ा सा शैतान था सभी ट्रेनिंग सेंटर में, तो मैंने फोन निकाला, मैंने ऐसे ही नंबर लगा लिया, हेलो, मैं कहा सर कल आ जाए, मैंने ऐसे हाथ मार दिया 180 लड़के भाग गए। उसके बाद डांट पड़ी, डांट हम अगले दिन गए, मैं तो, मेरे को तो पता था भी पढ़ने वाली है पूरी, तो मैं गेट पे पहुंचा तो सामने SSP साहब, गाड़ी उनके छोटा हाथी होता ना वो, रखा, रखो अपना सामान वहां पे, चलो फ्रंट रोल, हॉस्टल 1.5 किलोमीटर हॉस्टल है वहां से, हम लोग ऐसे फ्रंट रोल किया तो हमारे तो ऐसे चिड़िया नाचने लगी, तारे आ गए आपको क्या मतलब वो किया सभी लोग 180 लोगों ने। उसके बाद जो शाम हुई ना, शाम को क्या करते हैं वो, हमें सिविल पहनाते हैं, सिविल में हमने काउंटिंग में जाना है, गिनती होती है शाम को, तो हम वहां पहुंचे तो 900 लड़का था वहां पे, बाकी सभी जाओ 180 रुक जाओ, जो 180 है वो रुक जाओ यहाँ पे, तो हम रुके, उनको बोला ऑन द हैंड्स डाउन फ्रंट रोल साइड रोल साइड क्रोल, मिट्टी में हम इतने गंदे हो गए कि मैं तो बहुत शरारत, मैंने मिट्टी ऐसी उठाई जो उस्ताद लोग थे उनके ऊपर ही फेंकने लगे मैं दिखाई नहीं दे रहा था मैं उसका मेरा मतलब सभी लोगों ने मेरे को गाली दी रूम में जाके, तेरी वजह से जो हुआ बस ऐसी, मतलब बहुत एंटरटेन था, बहुत एंटरटेन। सो रोबन एंड विक्की एंड सर, प्लीज हमारे दर्शकों को, अपने दर्शकों को प्लीज बताइए कि आखिर क्यों ये फिल्म देखनी चाहिए। तो जान किला आप जैसे कल रिलीज हो रही है 20 सितंबर को, तो इसे क्यों देखना चाहिए? पहले तो ये यूथ सेंट्रिक फिल्म है, इसको फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को डेडिकेट किया है जो हमारे लिए लाइक सेल्फलेस ड्यूटी करते हैं और जिनके कारण हम लोग अपने अपने घरों में सेफ रहते हैं, और तीसरी बात की ये फिल्म है, ये यूथ को मोटिवेट कर रही है, इंस्पायर कर रही है। आज की जो करंट सिचुएशन है स्मॉल टाउन्स में जॉब्स को लेकर, जो जॉब्स मिलना मुश्किल है, तो ये सारी चीजें है ना, मतलब ये फिल्म में एक मैसेज दे रही है कि एक उनको मोटिवेट करने का एक मैसेज दे रहा है। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस एवरीवन शुड गो एंड वॉच दिस फिल्म। मुझे लगता है कि फिल्म देखने जाना, जिनको शौक है फिल्म देखने का उनको ये फिल्म देखने जाना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म में फैमिली ड्रामा है, कॉमेडी है,
एक्शन थोड़ा बहुत छोटा एक्शन है एंड अच्छे मूमेंट्स हैं, गुड म्यूजिक, पूरा पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज है। और जिनको फिल्म अच्छा म्यूजिक और अच्छी फिल्म देखने का शौक है वो डेफिनेटली ये फिल्म देखें, दे विल रियली एंजॉय इट। या बिल्कुल रोबन। अच्छा मैं सर की बात बहुत अच्छी उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल एंजॉय वाली मूवी है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म ना इसमें मोस्टली जो किरदार हैं वो नए हैं, नए चेहरे हैं जो बहुत ही बाकमाल एक्टर हैं, जो जैसे सोचा था ना कि ये इसके लिए किरदार लिखा है तो उन्होंने उनको मतलब मेरी सोच से भी बड़ा मतलब अच्छा उन्होंने प्ले किया। तो मैं चाहता हूँ कि उन सभी लोगों को ना, सभी कलाकारों को, नयों को, नए जो बच्चे हैं उनको सभी को आपके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि अगर नए चेहरे पे कोई पैसा लगा रहा है ना तो वो उनको अगर देखने जाओगे तो उनको हौसला मिलेगा और कल को नए बच्चों पे और भी प्रोड्यूसर्स आएंगे, इन्वेस्टर आएंगे, हाँ इससे इसको लेके फिल्म करते हैं, उनमें से आपके बच्चे भी हो सकते हैं। सो अपने खुद के लिए ये फिल्म जरूर देखें ताकि हमारी सपोर्ट कर सको, तो हमारी सपोर्ट होगी तो अपनी खुद आपकी खुद की सपोर्ट भी होगी। थैंक यू सो मच। वाह, इट वाज लवली एंड आई विश ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो, 100, 200, 250, 1000 करोड़ कमाए। एंड या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।